फ्रेंड्स, माय नेम इज पायल जाखड़। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 6.4 का क्वेश्चन नंबर 6। आइए स्टार्ट करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, प्रूव दैट द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ द दिस कॉरस्पॉन्डिंग। तो देखिए कैसे होगा ये, हमारे पास टू ट्रायंगल है ए बी सी डी ई और एफ। ओके, तो इनके बीच बीच में क्या है, एक ये M हो जाएगा और एक N। ओके, तो आपको प्रूफ करना है एरिया ऑफ एंगल ए बी सी एंगल डी ई एफ इक्वल टू क्या होना चाहिए, ये एम एन और डी एन का स्क्वायर। ये हमको क्या करना है, प्रूफ करना है। ओके, सो कैसे प्रूफ करेंगे, ये देखिए हमारे पास ये एरिया है। ओके, एरिया हो गया ये, एज इट इज हो जाएगा ये एरिया इक्वल टू एम एन की जगह हम क्या लिखेंगे, ए बी अपॉन में डी ई का स्क्वायर इक्वल टू में नेक्स्ट हो जाएगा हमारा बी सी अपॉन में ई एफ का स्क्वायर, उसके बाद हो जाएगा सॉरी ए सी अपॉन में डी एफ का स्क्वायर। ओके, तो ये एज इट इज लिख देते हैं हम नीचे बिना स्क्वायर्स के। इस पे टू टू हो जाएगा। ओके, इक्वल टू में ए सी अपॉन में। ओके, जब टू टू होगा तो इसकी जगह ये क्या हो जाएगा, एम एम हो जाएगा, ये एम और एन। ओके, तो ये एम एन हो जाएगा बी एम अपॉन में ई एन। ओके, यही होगा हमारा। तो हम कैसे सॉल्व करेंगे अब इसको, ये देखिए जो हमारे पास ये है एंगल, क्या लिख देंगे, एंगल ए एम एन एंड एंगल डी एन डी एन ई, ये लिख देंगे हम। अब इसके अकॉर्डिंग सम सॉल्व करेंगे, तो हमारे इन दोनों में से क्या ले लेंगे हम, ये दो सम्स ले लेंगे, मीन्स क्या ए बी अपॉन में डी ई इक्वल टू में डी बी एम अपॉन में ई एन इक्वल टू में ए एम अपॉन में डी एन, ये हम ले लेंगे। ओके, तो अब देखिए जो ये वाले टर्म है, ओके, और इसमें हम क्या करेंगे, जो एंगल वन और एंगल टू है वो होगा हमारा सिमिलर होगा किसके, जो हमने प्रूफ करना था, मींस इसके इसके सिमिलर होगा। ओके, तो हमारे पास जो ये दो नंबर है इसको ले लेंगे हम सिर्फ, तो लिख देंगे हम एरिया एरिया ए बी सी डी ई एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए एम का अपॉन में डी एन का स्क्वायर। ओके, आप इन पे स्क्वायर्स भी लगा सकते हैं, वो आपकी मर्जी। देखिए स्क्वायर्स, ओके, इसमें हमने स्क्वायर लगाया था, हमने स्क्वायर्स में प्रूफ करना था, तो हमने प्रूफ कर दिया। ओके, सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 6। थैंक्स।